हाईकोर्ट शिफ्टिंग की कवायद पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। कुमाऊं से हाईकोर्ट शिफ्ट किए जाने की सुगबुगाहट पर वकीलों, सामाजिक राजनीतिक चिंतकों के साथ साथ अन्य वर्ग भी मुखर हो गए हैं। उनका साफ कहना है कि हाईकोर्ट के बहाने लोगों को कुमाऊं और गढ़वाल में बांटने की साजिश हो रही है। कुमाऊं से पहले ही कई बड़े संस्थान और निदेशालय, उद्यान निदेशालय शिफ्ट हो चुके हैं। श्रम सेवा योजना, उच्च शिक्षा निदेशालयों के उच्च अधिकारी देहरादून में बैठकर काम कर रहे हैं। एम्स गढ़वाल में स्थापित किया गया है। हाईकोर्ट शिफ्ट होने पर कुमाऊं में क्या बचेगा? वहीं हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने सरकार पर आरोप लगाया है कि नैनीताल हाईकोर्ट से कुमाऊं का नाम जुड़ा था, लेकिन अब सरकार उसको भी ऋषिकेश में शिफ्ट कर कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्रवाद को बांट रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट मामले पर एक पत्र लिखा है। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने पर अपनी राय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि वह कानून के अच्छे विद्यार्थी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई बिंदुओं पर अपना पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंतुला ने कहा कि हाईकोर्ट का जो मसला है उसमें न्यायालय ने कमेटी बनाई है, जिस कमेटी में पूर्व न्यायाधीश होंगे, कई जनप्रतिनिधि भी होंगे, साथ ही बार काउंसिलिंग के मेंबर भी, साथ अन्य लोग भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी ही निर्णय लेगी। विपिन कैंतुला ने आगे कहा कि अभी सरकार को सिर्फ प्रस्ताव मिला है कि सरकार इस पर काम कर रही है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि हाईकोर्ट के लिए भूमि कहाँ चिन्हित हुई है। विपक्ष से भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। देखिए, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय, कांग्रेस के नेता अगर जिस प्रकार की बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगती है, हंसी आती है उनके जानकारी पे, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस का काम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं तो कांग्रेस के नेता उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर जो कोई संवैधानिक संस्था कार्यवाही करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कांग्रेस के नेता उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कांग्रेस के नेताओं की आदत में शुमार हो गया है। देखिए, हाईकोर्ट का मसला जो है वो माननीय न्यायालय ने उसमें कमेटी बनाई है, पूरा कमेटी पूर्व न्यायाधीश होंगे, उसमें हमारे कई जनप्रतिनिधि भी होंगे, उसमें हमारे जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं वो होंगे, कई अधिवक्ता होंगे, उस सारी कमेटी बनकर के निर्णय लेगी। और उन्होंने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि आपके पास जहाँ जहाँ भूमियाँ हैं उनको आप दे दीजिए, उसके बाद प्रस्ताव जहाँ जहाँ पर जाएंगे वो कमेटी देखेगी, उसके बाद फाइनल होगा। अभी तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है, एक प्रस्ताव हाईकोर्ट ने दिया है सरकार को और सरकार उस पर काम कर रही है। ऐसा कहीं नहीं है कहाँ शिफ्टिंग है, कहाँ अभी हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं विपक्ष के लोग अनगल बयानबाजी कर कर बिना सोचे समझे बिना पढ़े लिखे जिस प्रकार की बातें कर देते हैं और समाज के अंदर जो है एक गलत संदेश देने के काम करते हैं, एक गलत स्ट्रेटजी के तहत इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, उनको पहले पूरा निर्णय पढ़ना चाहिए और उस पूरी कमेटी का एक बार देखना चाहिए, उसके बाद बात।